आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 और अगले साल बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चला है। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। नीतीश ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को हरी झंडी दिखा दी और इसको लागू कर दिया है। चुनाव के इस माहौल में बिहार सरकार के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल बिहार में दलितों को लेकर एनडीए और महागठबंधन में खींचतान जारी है। दोनों पक्ष दलितों को अपने अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हैं। लालू के बेटे तेजस्वी यादव को बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा समझा जाता है। बिहार में तेजस्वी को अपनी सरकार बनाने के लिए यादव और मुस्लिम के साथ दलितों का भी साथ मिलना जरूरी है। इसी वजह से वो बिहार में दलित के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को एनडीए से तोड़कर अपने पाले में कर चुके हैं। हालांकि अब नीतीश के इस दांव से उनको झटका लगा है। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।